चैनल पे और आज मैं आप लोग के लिए ट्रिपल सी मार्च अप्रैल एग्जाम 2023 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 11 का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके सभी पार्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों को पीडीएफ की जरूरत होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे स्टूडेंट्स। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उन्हें भी एग्जाम्स में हेल्प मिले इस वीडियो से स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है डेस्कटॉप और ऑप्शन नंबर डी है ओएमआर रीडर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ओएमआर रीडर। क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट्स, कैन वन एवेलेबल यूएसएसटी सर्विस बाय डायलिंग। तो क्या डायल करके यूएसएसटी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? जो कि ऑप्शन नंबर है स्टार 121 हैज, ऑप्शन नंबर बी है स्टार 123 हैज, ऑप्शन नंबर सी है स्टार 99 हैज और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्टार 99 हैज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? जो कि ऑप्शन नंबर है 1024, ऑप्शन नंबर बी है 10,000, ऑप्शन नंबर सी है 255 और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 10,000। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। तो पीएनजी का पूरा नाम क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर है पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टूडेंट, फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर ए है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है डोमेन नेमिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है डबल नेम सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट्स, पी टू पी स्टैंड फॉर पीयर टू पीयर। तो पी टू पी का अर्थ पीयर टू पीयर से है, तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू और ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन स्टूडेंट्स, व्हेन रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट इन अ स्प्रेडशीट देन अ बॉक्स इज फॉर्म्ड, व्हाट इज दैट बॉक्स कॉल्ड। तो स्प्रेडशीट में जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तब एक बॉक्स का निर्माण होता है, तो उसे बॉक्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जो कि ऑप्शन नंबर ए है कॉल रो, ऑप्शन नंबर बी है सेल, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है ग्रिड। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सेल। क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो निम्नलिखित में से कौन सी भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? जो कि ऑप्शन नंबर ए है परम, ऑप्शन नंबर बी है चिप्स, ऑप्शन नंबर सी है फोर्स लवर मार्क, ऑप्शन नंबर डी है अनुपम, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अनुपम। क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन स्टूडेंट, द फुल नेम ऑफ एमबी इज मेगाबाइट। तो एमबी का पूरा नाम जो है वो मेगाबाइट होता है क्या स्टूडेंट्स? तो बताइए, होता है तो इसको हम ट्रू होगा, और अगर हम नहीं होता है तो उसके लिए क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, जो कि आपका ट्रू होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, जो कि एमबी का फुल फॉर्म आपका मेगाबाइट ही होता है, तो इसलिए हम ट्रू बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन स्टूडेंट्स, व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, माइक्रो कंप्यूटर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर इज माइक्रो कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमोशन टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर डी है ऑटोमेटिक टेक्निक मशीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स हु डिस्कवर्ड ईमेल, ईमेल की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए है रे टॉमलिसन ने, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन नंबर सी है टिम बर्नर्स-ली ने, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रे टॉमलिसन। ओके क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट हाउ मेनी बिट्स आर द एड्रेस ऑफ IPv6, तो IPv6 का पता कितने बिट का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर बी है 32, ऑप्शन नंबर सी है 64, ऑप्शन नंबर डी है 128। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 128 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी रोज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है 1,48,576, ऑप्शन नंबर बी है 1,48,500, ऑप्शन नंबर सी है 1,024, ऑप्शन नंबर डी है नन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 1,48,576 रोज होते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है फुल फॉर्म ऑफ उमंग, उमंग का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर बी है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर सी है यूनिक्यू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है फुल फॉर्म ऑफ B2B, तो B2B का पूर्ण रूप क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर है बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी है बेसिक टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ दिस, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बिजनेस टू बिजनेस। ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स व्हाट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म इज फेसबुक, तो फेसबुक किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सोशल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी है ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है बॉट, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सोशल नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, तो निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है गूगल, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर सी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर गूगल। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर गूगल। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें स्टूडेंट, तो फुल फॉर्म ऑफ QR, तो QR का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर बी है क्विक रजिस्टर कोड, ऑप्शन नंबर सी है क्विक रिप्लाई कोड, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें स्टूडेंट्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस, तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस होता है, तो ऑप्शन नंबर है फंगल, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उन्हें भी एग्जाम के लिए इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।